कैसे है मेरी फैमिली। तो आज हम सेंट्रल डोगमा के बारे में जानेंगे। तो एक डीएनए है, अब वो अपने आप को रिप्लिकेट करके दो डीएनए बनाया, तो इस प्रोसेस को अपन रिप्लिकेशन कहते हैं। अब किसी डीएनए सीक्वेंस से यदि आरएनए को बनाया जाता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आरएनए से डीएनए को बनाया जाता है तो डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए से क्या, अब प्रोटीन यदि बनाते हैं, मान लो ये आरएनए अब इससे प्रोटीन बनाया गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो रिकैप, डीएनए टू डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। दिस सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इफ यू लाइक माय वर्क, मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।